हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं गोमो स्टेशन, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों 18 जनवरी 1941 को कलका मेल से पेशावर के लिए यात्रा किए थे हमारे नेताजी, तो उन्हीं के सम्मान में ये स्टेशन उनके नाम पर रखा गया। तो 23 जनवरी 2009 को ये नाम रखा गया गोमो स्टेशन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। तो ये है टिकट काउंटर, चलिए दिखाते हैं टिकट काउंटर। ये प्रवेश द्वार, तो यहाँ से आप लोग टिकट कटवा सकते हैं, उसके बाद फिर यात्रा कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ही सुंदर स्टेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टेशन धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से धनबाद रेलवे स्टेशन की दूरी 29 किलोमीटर है। और हर साल 23 जनवरी को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी को हमारे नेताजी का जन्मदिन होता है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से देखते हैं स्टेशन का नज़ारा। काफ़ी बड़ा स्टेशन है दोस्तों ये, यहाँ 6 प्लेटफॉर्म और 9 पटरियाँ हैं, तो काफ़ी बड़ा है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का ये रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं। तो दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा इस स्टेशन का संचालित किया गया है, तो बहुत ही सुंदर और बड़ा स्टेशन है। और दोस्तों यहाँ से आप लोग तोपचाची का झील भी आप लोग जा सकते हैं, तोपचाची लेक, बहुत ही सुंदर झील है दोस्तों। इस स्टेशन से दोस्तों 8.5 किलोमीटर की दूरी में है ये झील, आप लोग चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने इसका वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा तो आप लोग और अच्छा से समझ पाइएगा। और ऑटो वगैरह यहाँ से मिल जाएगा आपको, ऑटो वोटो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ सुविधा है। तो दोस्तों धनबाद डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है गोमो रेलवे स्टेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। और कई शाखा लाइनें यहाँ से शुरू होती है, जैसे कि बरकाखाना शाखा लाइन, गोमो मूरी शाखा लाइन, आद्रा गोमो शाखा लाइन, और 6 प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो अच्छा है स्टेशन दोस्तों, और सबसे ज़्यादा प्रचलित तो नेताजी के नाम से ही है, तो इन्हीं के नाम से ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे झारखंड में, पूरे भारत में ये स्टेशन का नाम गिना जाता है, देख सकते हैं। तो 1941 में ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर गोमो स्टेशन से लंबी यात्रा के सम्मान में हमारे नेताजी के नाम से इस स्टेशन का नाम रखा गया गोमो स्टेशन से बदलकर। तो अच्छी बात है दोस्तों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और बड़े बड़े नेताओं और महानायकों का नाम से इस तरह के स्टेशन और एयरपोर्टों के नाम रखा जाता है, ताकि उन्हें दोस्तों लोग याद रखें, भूले नहीं। और इस तरह के नाम से दोस्तों जब कुछ भी बनता है या नाम बदल दिया जाता है किसी नेता और महानायकों के नाम से, तो लोग जल्दी भूलते नहीं हैं और दिमाग में उनका नाम बस जाता है और लोगों के जुबान में भी ये नाम आता रहता है हमेशा। तो ये दोस्तों अच्छी बात है। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।